माताओं ध्यान रखना, ये सीखने की बात है कि अगर आप चाहते हो आपके परिवार के लोगों की बुद्धि सही रहे, वे स्वस्थ रहें, गलत मार्ग पर ना जाएं, तो जो भी आप भोजन बनाती हैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। और भोग आप तभी लगा सकती हो जब आप कल का आटा फ्रिज में ना छोड़ दें। इतनी आलसी को भी कभी होने लग जाते हैं कि वो दो तीन दिन की एक ही बार में लगा के रख दो और काट के ले आए बना करके धर दिया। अरे कम से कम ये इसके लिए थोड़ी फ्रिज बनाए, इसलिए आटा उसी दिन लगाओ और उसी दिन उसको बना लो, क्योंकि बाद में बनाया हुआ आटा स्वास्थ्य की जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है उसकी, इसलिए ताजा आटा लगाओ, हाथ शुद्धि के साथ में लगाओ। और ध्यान रखना दो चीजों की शुद्धि माता, आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें साफ रहनी चाहिए, एक रसोई घर और एक अन्नपूर्णा, क्योंकि अन्नपूर्णा में साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास होता है भंडार घर में, और रसोई घर के अंदर में अन्नपूर्णा जी विराजमान रहती हैं। और जो माताएं रात्रि को साफ करके नहीं सोती तो रात्रि में ही उनका आने का टाइम होता है, और आपने सोचा आप सुबह उठ करके जल्दी से कर लेंगे, अभी हम जरा सीरियल देख लें, अपना टीवी देख लें, अपना शो देख लें, इसलिए रात्रि में ही अपना रसोई घर बर्तन पूरे साफ, भले ही आपको लेट हो चाहे हो जाए, लेकिन अपने घर की सफाई रात में। आप देखो दक्षिण भारत की तरफ आप जाना, दक्षिण भारत में एक बड़ी अच्छी शिक्षा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ तो अपन क्या करते हैं, कूड़ा उठाया अपने घर के बाहर फेंक दिया। वो तो भला हो मोदी जी ने थोड़ी सी जागृति लाई है कि बाहर मत फेंको। और दक्षिण भारत की माताएं, मैं जाता हूँ साउथ इंडिया में, और जब मैं उधर जाता हूँ तो देखता हूँ कि हर एक माँ सुबह 4 बजे उठ करके सब सफाई करेंगे, दरवाजे के सामने सड़क पर भी झाड़ू लगाती हैं, वो सड़क भी आप ही की है, और अपने सामने जल छिड़क करके उसके बाद में आटे से चौक पूरती हैं, और जिसके दरवाजे के सामने चौक पूरा हुआ रहता है लक्ष्मी जी समझ लेती हैं यही मेरा वेलकम है, और लक्ष्मी जी उसके घर में आ जाती है। झाड़ू को भी इधर उधर नहीं फेंक दिया करो, सलीके से रखा करो, उसमें भी झाड़ू में भी लक्ष्मी जी का वास है। और एक बात और बता दें कि जिनको झाड़ू लगाना नहीं आई उन्हें कुछ नहीं आता, सामान्य चीज नहीं, झाड़ू में भी कला होती है, नहीं तो ऐसे ऐसे करके झाड़ के देते। तो मतलब यह है कि निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु की निशान, माता कौशल्या जी ने अपना भोग जो बनाओ शुद्ध बनाओ, शुद्ध हाथ से बनाओ, स्नान करने के बाद में ही बनाओ, और ठाकुर जी को भोग लगाओ, एक छोटी सी प्लेट रखो, उसमें रोटी रखो, सब्जी रखो, जो जो कुछ आप बनाते हो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और उसके बाद में उसको अपने प्रसाद में मिला दो, उसको जब घर वाले लोग खाएंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, अच्छी रहेगी, घर में झगड़ा नहीं होता, उस घर में परस्पर विग्रह नहीं होता, प्रेम रहता है, ठाकुर जी सबको जोड़ करके चलती है।